देख रहे हैं न्यूज जरा हटके। मैं दिनेश कुमार, इस वक्त हमारा कार्यक्रम है खास मुलाकात। खास मुलाकात में एक ऐसे खास व्यक्ति के साथ मुलाकात कराने जा रहे हैं जो बहुत ही खास है। चनपटिया नगर पंचायत वार्ड नंबर 6 के भावी प्रत्याशी दीपक कुमार केसरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए हम इनसे मुलाकात करते हैं। न्यूज जरा हटके में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। न्यूज जरा हटके में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे मेरा पहला सवाल है, इस बार अगर जनता, आप भावी प्रत्याशी हैं, इस बार अगर जनता आपको वार्ड नंबर 6 में चुनकर भेजती है तो फिर पहला कार्य आपको क्या रहेगा? मेरा कार्य ये रहेगा कि जनता मुझसे जुड़ जाए। जनता को जो कुछ भी प्रॉब्लम, जो भी कुछ हो, मेरे से जहाँ तक वो मतलब सेवा ले सकती है, जनता को जो चाहिए। जनता सबसे बड़ी बात है कि जनता को कोई भी परेशानी, राशन कार्ड, जैसे कि राशन कार्ड हुआ, जैसे कि कोई प्रधानमंत्री आवास में कोई भी मतलब दिक्कत आ रही है, और जैसे कि बहुत सारा काम, बहुत सारी योजनाएं, जिससे कभी भी जो भी मेरे भाई है, जो भी मेरे भाई बंधु वार्ड नंबर छः के हैं, वो उनसे मेरा अनुरोध है कि कभी भी बेहिचक किसी भी टाइम मुझे वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ताकि मैं उनका हर वक्त मैं उनका सेवा कर सकूं। और मेरा लक्ष्य ही है कि वार्ड नंबर 6 की जनता का मतलब मैं अपने आप को समर्पित करता हूं, ताकि वो मतलब मेरा पूरा टाइम, मेरा पूरा हर चीज़ उनके लिए हरदम वो रहेगा। इस बार आपकी चुनावी रणनीति क्या है? इस बार जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, तैयारी कैसी चल रही है आपकी? मेरी कोई चुनाव रणनीति नहीं है। मेरी सबसे बड़ी बात है, मेरी जनता को बस देखना है कि कौन उनका बढ़िया मतलब, तो बहुत ऐसे तो प्रत्याशी बहुत सारे उतरेंगे, खैर उनसे मेरा कोई वो नहीं है, अच्छी बात है। पर जनता को ये देखना है कि जनता पाँच साल में एक बार उनको मौका मिलता है। अब उनको ये चुनना है कि उनको अपना विश्वास कि कौन आदमी मेरे साथ मतलब खड़ा हो सकता है, जो हमारे सुख दुख को सुन सकता है, ये जनता को सोचना है। और बाकी मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। वार्ड नंबर 6 की जनता बहुत समझदार है और वो अपना प्रत्याशी अच्छा ही चुनेगा।